अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मेरे पापा खैर अगले नाज़रीन। और आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी एक फ़ोटो के पीछे टेक्स्ट लगा सकते हैं। जो आमतौर पर लोग प्रोसीजर यूज़ करते हैं वो इरेज़र टूल से इस तरह करते हैं, बट ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आपने सबसे पहले अपनी फ़ोटो की इस तरह कॉपी कर लेनी है, उसको टेक्स्ट के ऊपर ले जाना है। उसके बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट सब्जेक्ट करना है और जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने यहाँ से अपने मास्क बना लेना है इसका, और यहाँ पर आपने इधर ला के ऑल्ट की प्रेस करनी है। ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो इस तरह क्लिपिंग मास्क क्रिएट हो जाएगा। अगर आपका ये इस तरीके से नहीं हो रहा तो आप राइट क्लिक करें, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं क्लिपिंग मास्क। उसके बाद नाज़रीन आपने क्या करना है, इसके आपने जाना है ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है आपने जो आपका करेक्टर है इसका शेडो थोड़ा सा आपने क्रिएट करना है ताकि वो आपके टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा सा आए। इन स्लाइडर्स को आप थोड़ा थोड़ा मूव करेंगे और थोड़ा सा ये एंगल को चेंज करेंगे तो आपके टेक्स्ट के ऊपर जिस तरह इधर आ रहा है थोड़ा सा शेडो मुझे चाहिए, इस तरह थोड़ा सा शेडो आपने लेके आना है एक रियलिस्टिक लुक के लिए। और बस उसके बाद आपने ओके कर देना है। फिर आप अपने टेक्स्ट लेयर पर जाना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है और अपने टेक्स्ट को छोटा बड़ा करके अपने सब्जेक्ट के पीछे आप प्लेस कर सकते हैं बहुत ईजीली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सम मोर वीडियोज़। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ मज़ीद ट्यूटोरियल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।